हेलो गाइस, तो अब हम बात क्या करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अगला जो हमारा टॉपिक होगा इट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बाय मैक्स प्लैंक। क्लियर ना? तो मैक्स प्लैंक का क्या है क्वांटम थ्योरी? तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और उस वेव थ्योरी में कुछ ऐसे फिनोमिना थे जो वहां प्रूफ नहीं हो पा रहा था या वहां एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। जैसे क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जैसे हम लोग अगर किसी बड़े मॉल में जाए या कोई बहुत बड़ा 5-स्टार होटल है इस तरह का है, तो वहां एक शीशा का गेट बना होता है ना। और जैसे ही गेट में हम एंट्री लेते हैं, है ना, गेट जैसे ही पास आएंगे अपने आप वो ओपन हो जाता है, वहां कोई उसको गेट खोलने वाला नहीं है, बट अपने आप ओपन हो गया। हम जैसे ही क्रॉस करेंगे फिर गेट बंद हो जाएगा। ये क्या है? ये जो प्रोसेस, ये जो हमारा दिखा ना, ये पूरा का पूरा सेटअप, ये कैसे काम करता है, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां प्रूफ नहीं हो रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। फिर दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसके बाद हम आगे करने वाले हैं, मतलब ऐसा कोई भी बॉडी जो परफेक्ट एब्जॉर्बर हो। मान लेते हैं हम इसको हीट देना शुरू किए, है ना, कोई भी, या फिर लाइट आ रहा है इसके ऊपर, तो ये सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, सब एब्जॉर्ब कर रहा है और अपना कलर चेंज करता जा रहा है। ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे, ये एक ब्लैक बॉडी है। और जब हम इसको रेडिएशन देना बंद कर दे तो वापस से ये सब इमिट करना शुरू कर दे। क्लियर? इसकी बात हम अभी इस थ्योरी को पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है? तो देखते हैं ये थ्योरी क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक ने इसको प्रपोज किया था। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना है, ठीक है, कि एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली। ये दोनों पॉइंट समझना है, ठीक है ना। क्या है, कहीं से भी अगर एनर्जी इमिट हो रहा है, क्लियर, एनर्जी अगर इमिट हो रहा है तो वो कैसे होगा? एनर्जी इज फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो तो ठीक है, इसके पहले थ्योरी में आ गया। और ये रेडिएशन या वेव जो है ना, इट इज नॉट कंटिन्यूअसली डिसकंटिन्यूअसली, मतलब दिख रहा है हमको लाइट चलकर आ रहा है, क्या है वो कंटिन्यू आता नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है एक्चुअली में, वो डिसकंटिन्यू होकर के आ रहा है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वो कैसे आएगा हमारे पास, छोटे छोटे पैकेट्स में आएगा, और वो पैकेट क्या होंगे, पैकेट ऑफ एनर्जी होगा। मतलब अभी तक हम क्या जान रहे थे इसके पहले थ्योरी में, कि हम अगर लाइट अगर हमारे पास आ रहा है तो वेव के फॉर्म में आएगा, बट अब क्या आ रहा है, अगर कहीं से लाइट चलकर आ रहा है तो वो किस फॉर्म में आएगा, वो वेव तो ठीक है बट छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में आएगा। मतलब क्या है ना, कि ये छोटा छोटा पैकेट आएगा चल करके इस तरह से, और ये क्या है, कंटिन्यू नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाइन में एक पैकेट आ रहा है, एक ये पैकेट चलकर, मतलब अगर हम यहाँ खड़े हैं और लाइट मेरे हाथ पे पड़ रहा है ना, तो वो कैसे पड़ रहा है, छोटे छोटे पैकेट्स, एनर्जी के पैकेट्स मेरे हाथ से टकरा रहे हैं। समझ में आया बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या था, पैकेट ऑफ एनर्जी की बात हो रही थी। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। सब जो भी पैकेट था ना छोटा छोटा, उसको क्वांटम बोलते हैं, इन प्लूरल इट इज कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये है क्वांटम, एंड इन केस ऑफ लाइट, अगर पैकेट किसका हो, लाइट का पैकेट हो, जैसे यहां तो लाइट चलकर आया हमारे पास, उसको हम फोटोन बोलेंगे, फोटोन। मतलब लाइट चलकर आ रहा है ना, तो लाइट वेव के फॉर्म में तो ठीक है, बट वो छोटे छोटे फोटोन्स आ रहे हैं हमारे पास। क्लियर? दूसरे में बात हुई, अगर ये एनर्जी का पैकेट है तो कितना एनर्जी होगा, तो एनर्जी ऑफ इच फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू,
इस प्रोपोर्शनिटी को हटाने के लिए एच कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, एच न्यू, वेयर एच इज वॉट प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, जहां पर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। एच क्या होगा? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होगा। और एच का वैल्यू क्या होगा? तो एच इज इक्वल टू 6.626 ये पॉइंट इंटू 10^-34 जूल सेकेंड। इस वैल्यू को अच्छे से याद रखना है, जैसे मोल नंबर याद रखते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट याद रखते हैं, वैसे ही ये वैल्यू याद रखना है। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या है? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट बहुत छोटा नंबर है, 10^-34 हो रहा है, ये माइनस है और -34 है, और जूल सेकेंड यूनिट भी याद रखना है, बहुत आगे भी इसका यूज होने वाला है, बहुत जगह ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट हो गया। फिर क्या है थर्ड पॉइंट? फॉर होल नंबर क्वांटा, मतलब अगर एन नंबर ऑफ क्वांटम्स है तो इट इज ई इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। क्लियर? मतलब अगर हमारे पास एक फोटोन का एनर्जी एच न्यू है तो 10 फोटोन का क्या होगा? इंटू 10 कर देंगे, उतना एनर्जी होगा। क्लियर? इससे क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान से समझना है। यहां दे देगा एनर्जी 1 जूल दे देगा और बोलेगा हमारा जो फ्रीक्वेंसी है लाइट का वो मान लेते हैं 3000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो बताइए कितने नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे हमारे पास, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड करना है। तो यहां से n इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? तो n इज इक्वल्स टू ये इधर e h न्यू होगा, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला किसके लिए? फॉर नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए या नंबर ऑफ क्वांटम्स के लिए। ओके, यहां से एक चीज और देखते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भाई, बहुत सिंपल सा काम है, h c बाई लैम्डा हो गया। पढ़े थे न्यू अभी थोड़ी देर पहले, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो वो चीज यहां पुट कर दिया गया। तो इस फॉर्मूले में वही काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास लैम्डा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, तो बस ये सी और लैम्डा, मतलब सी नीचे और लैम्डा ऊपर, मींस व्हाट? दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज ई इनटू लैम्डा, होगा ना, लैम्डा नीचे आएगा तो ऊपर चला गया, यहां एच सी ये रहा, इट इज दिस व्हाट नंबर ऑफ फोटोन्स, एनर्जी 1 जूल मान लेते हैं, और जो लाइट चलकर आ रहा है हमारे पास वो सपोज कर लिया जाए 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो बताइए उसका क्या होगा एनर्जी या नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे? तो इस टॉपिक से यही क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर? अब ये जो टॉपिक है ना, इट इज 100% एनेबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां से इस थ्योरी के यही 3 पॉइंट्स थे। ओके, तो अब इस थ्योरी से क्या प्रूफ हो जाएगा? यहां से बहुत आराम से प्रूफ हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब दिस थ्योरी वॉज एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? इसका हम डेफिनेशन अभी डिक्टेट कर देते हैं आपको। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इट इज द फिनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट। अभी हम सब एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है। क्या है? इट इज द फिनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। ये रहा हमारा एक मेटल का प्लेट है, ये इसके ऊपर सरफेस होगा, इस सरफेस का ही काम होगा, अंदर नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां सरफेस पर क्या होना है? कोई एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से लाइट स्ट्राइक करेगा, और वो जो फ्रीक्वेंसी है इसको इंसिडेंस फ्रीक्वेंसी न्यू कहेंगे। ठीक है, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी हम? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर? ध्यान से देखना है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से यहां क्या होगा?
स्ट्राइक करेगा। अब जैसे ही ये स्ट्राइक किया ना, तो यहाँ कुछ यूटिलाइज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ ऐसे नहीं आ रहा है, उसके साथ एच न्यू मतलब क्या आ रहा है, एनर्जी भी आ रहा है ना। लाइट चल कर आ रहा है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी आ रहा है क्या? नहीं, वो फोटोन्स हैं, लाइट के छोटे छोटे फोटोन्स हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी है, मतलब वो साथ में एनर्जी लेकर आ रहा है। और यहां पर कुछ एनर्जी यूटिलाइज होगा, जिसको हम न्यू नॉट कहेंगे। इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या न्यू नॉट इज होल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना है, मुझे लगता है कुछ हो सकता है यहाँ, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होना चाहिए, किसको? न्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तभी ये फिनोमेना होगा, मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है ना ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट। जैसे स्ट्राइक करेगा इससे ज्यादा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर E माइनस विथ सम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये फिनोमिना होना है, इसी फिनोमिना को क्या बोलेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। अब यहां पर क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या न्यूमेरिकल बनेगा, वो समझते हैं, ठीक है। तो बात किसकी हो रही है अभी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इसको एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं क्या, अगर हम इसी चीज को न्यू नॉट एच से इंटू कर दें, तो ये कहलाता है डब्ल्यू नॉट। इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इट इज व्हाट? इट इज वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या, ये वो एनर्जी है ना जो यहां यूटिलाइज होगा, खर्च होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, ठीक है। और ये इंसिडेंस फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या लेकर आएगा, एनर्जी लेकर आएगा। अब मान लिया जाए, ध्यान से देखना है, हम फाइंड क्या करने की कोशिश करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, अब ध्यान से देखते हैं। अगर मान लेते हैं यहां पर 100 यूनिट एनर्जी यूटिलाइज होगा, ठीक है, तो इस फिनोमिना को होने के लिए कितना चाहिए। तो यहां से अगर ये आ रहा है, तो मान लेते हैं ये 100 यूनिट एनर्जी लेकर आए, तो यहां पूरा का पूरा 100 खर्च होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी उस केस में जीरो होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएगा बट विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी। अब हम इधर से 100 यूनिट एनर्जी यहां यूटिलाइज होगा, और इधर से जो आ रहा था ना, सपोज करते हैं 200 यूनिट एनर्जी है, तो 100 यहां खर्च हो गया निकालने में, और फिर ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना, 100। मतलब हम ऐसा कहते हैं कि ये एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के ई, ठीक है। तो के ई इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या बोला जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए, इससे न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। या फिर ये क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज डब्ल्यू नॉट, वर्क फंक्शन। हो सकता है क्वेश्चन में वर्क फंक्शन ही दे दिया हो, तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू नॉट रखकर सॉल्व कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी। हो सकता है फ्रीक्वेंसी दिया हो और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया, तब ये फॉर्मूला रखकर पुट करना है यहां इतना। तो किस तरह से टॉपिक सॉल्व करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इस तरह से सॉल्व करना है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है कंटिन्यू, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और अगर कहीं इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब क्या बोलेंगे, करेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, बोल सकते हैं ना ऐसा। मींस वो जो हमारा फिनोमिना था ना, गेट बंद होने वाला और खुलने वाला, मतलब क्या है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और उससे क्या हो रहा है, वहां जैसे ही हम पास गए, मतलब कहीं से लाइट आ रहा था, हम बीच में खड़े होकर लाइट रुक गया, तो ये फिनोमिना क्या होगा, रुक जाएगा, है ना। जैसे क्या है, मान लेते हैं वो सेटअप एनसीईआरटी में भी इस तरह का बना के दिखाया गया है, ये डिस्चार्ज ट्यूब की तरह बनाते हैं, इधर बैटरी वगैरह लगा देते हैं, है ना, प्लस माइनस कर देते हैं। इधर से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से लाइट आता है, स्ट्राइक किया, तो इधर से क्या निकलना शुरू हो गया,
इलेक्ट्रॉन निकलना है इधर, तो सर्किट पूरा, अगर हम क्या करें यहां आकर खड़े हो जाएं, तो इधर तो लाइट आना बंद, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी खत्म हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो गया, सॉरी ओपन हो गया, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक गया। अब जैसे ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, तो अब वहां वो प्रोग्रामिंग किया हुआ होता है कि अगर फ्लो ऑफ करंट रुके मतलब सर्किट टूट गया है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि गेट खुल जाएगा। फिर जैसे ही क्रॉस किए फिर लाइट कंटिन्यू वहां आना शुरू हो गया, फिर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू, गेट क्लोज। समझ में आई बात? तो इसी को बोलते हैं इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब वो फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है। ठीक है, फॉर्मूला सब ये यूज करना है। अब इस पर ग्राफ वगैरह भी आता है, तो क्या ग्राफ है वो देखते हैं। ठीक है, यहीं पर देख लिया जाए ग्राफ को भी, है ना। तो यहां ग्राफ क्या आता है, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। इस साइड काइनेटिक एनर्जी और इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे आपस में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ठीक है, बट एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी अचीव हो गया कौन सा, ये न्यू नॉट, उसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वो सीधे क्या इंक्रीज करेगा, काइनेटिक। देखिए जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी अब इंक्रीज कर रहे हैं तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, न्यू नॉट कहलाएगा। मतलब हमें इतना फ्रीक्वेंसी तो देना ही देना है, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर यहां तक रह गए तो न्यू नॉट भी नहीं पहुंचे, ना ही कोई काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, दूसरा ग्राफ क्या आता है इस तरह का, सेम यही रहेगा, बट इधर काइनेटिक एनर्जी इधर न्यू रहेगा और तीन इस तरह से, और ये बोल देगा ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब बताइए इन सब में से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा। आयोनाइजेशन यही ये फिनोमेना था, क्या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, मोस्ट लूजली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे लूज जो है न्यूक्लियस से अट्रैक्ट है, उसको बाहर निकालने का फिनोमिना है। ठीक है, तो ये फिनोमिना सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लेगा, जो सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड होगा। अगर तीन एलिमेंट्स है, ये तीनों ए एलिमेंट है, एलिमेंट बी एलिमेंट सी, तो सबसे ज्यादा न्यू नॉट किसका है, मतलब ये सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब इसका जो मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको भी बहुत एनर्जी चाहिए बाहर आने के लिए, है ना। बाहर आना इधर मीन सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, सॉरी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी का वैल्यू, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम। तो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगा वो आईपी कहलाता है। इसका डिटेल में पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है ना। और हर साल इससे क्वेश्चन होता है नीट या फिर मेंस में, हर साल इस टॉपिक से होता है, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, इससे दो क्वेश्चन होना ही होना है, क्लियर है। तो ध्यान से देखते हैं, ये न्यू नॉट ऑफ सी, न्यू नॉट ऑफ बी और ये न्यू नॉट ऑफ ए। सबसे कम एनर्जी कौन, ये न्यू सबसे कम है, न्यू नॉट मतलब इसमें थोड़ा सा एनर्जी दिए यूटिलाइज हुआ, और बढ़ाएंगे तो सीधे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। मतलब यहां जो है ना इसका न्यू नॉट या फिर ये वर्क फंक्शन सबसे कम है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी निकलेंगे, कब, जब हम एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, क्लियर ना। मतलब यहां पर आईपी का वैल्यू सबसे कम किसका होगा, ए का होगा, इससे ज्यादा बी और सबसे ज्यादा सी। इसी चीज में क्वेश्चन और क्या होता है, ध्यान से देखना है। बोल देगा ए बी सी है, अब ये बताइए कि इसमें सोडियम कौन है, पोटाशियम कौन है और सीजियम कौन है। तो ये तीनों ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप वन का एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है ना, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आउटर मोस्ट से कम होगा, तो आखिरी का जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत जल्दी बाहर आएगा। तो सबसे कम एनर्जी किस में लग रहा है, ए में। सबसे बड़ा साइज का कौन होता है, सीजियम, बहुत इन सब में सबसे नीचे है ये। तो इस वाले डायग्राम के लिए जो यहां बनाया गया है उसके लिए
ए कौन होगा? सीजियम। बी कौन होगा? पोटाशियम। ए सी कौन होगा? सी है ना, सोडियम। क्यों ऐसा? क्योंकि सोडियम का इन तीनों में सबसे छोटा रेडियस, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तुमको ज्यादा एनर्जी लगाना होगा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लग रहा है? इसी में लग रहा है, ठीक है ना, इधर से न्यू बढ़ रहा है आगे, तो सबसे ज्यादा न्यू किस में है? इसमें है, ठीक है। तो इस तरह से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमरिकल्स को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया ये पूरा मामला? तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता है। ओके okay?